कि कैसे कैसे आप बटरफ्लाई बीच यहाँ से जा सकते हो पारोलिम बीच से। तो वेलकम बैक टू चैनल, तो स्वागत है आपका साउथ गोवा की दूसरी ब्लॉग में। आई होप कि आपको लास्ट वाली ब्लॉग भी अच्छी लगी हो, अगर अभी तक नहीं देखी है तो जाके देखो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अब भी सुबह सुबह मैं आया हूँ सॉल्ट एंड पेपर रेस्टोरेंट में, इसका बहुत नाम सुना था मैंने कि यहाँ पे यहाँ का फूड जो है वो बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे अभी मैं ब्रेकफास्ट करने आया हूँ। और कल रात में बहुत बारिश हुई है, लगातार वाली बारिश हुई है और अभी भी बारिश हो रही है, बट हल्की हल्की बारिश हो रही है। एंड बाय द वे अभी मैंने रेनकोट रख लिया अपने पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने लिए मैंने बहुत ही अच्छी आइटिनरी रखी है इस बार, तो बहुत टाइम है, कोई भागा भाग नहीं है, तो आराम से ब्रेकफास्ट करूंगा, उसके बाद निकलेंगे आगे। ब्रेकफास्ट पे मैंने पैनकेक ऑर्डर किया है यहाँ पे, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो भैया आज भी हो रही है जोरदार बारिश कंटिन्यूस वाली, आई थिंक ये पिछले डेढ़ घंटे से कंटिन्यूस बारिश हो रही है। आई होप कि थोड़ी देर में रुक जाएगी, अगर नहीं रुकी है फिर मैं रेनकोट डाल के निकलूंगा। तो इस भाई को मैंने चैनल सब्सक्राइब करवा दिया है, भाई मेरी क्रावी वाली ब्लॉग देख रहा है, तब तक भाई से बात करता हूँ मैं। भाई यहाँ पे ये मैनेज करता है सब। हाँ भाई, यहाँ पे स्टे भी है तुम्हारा? तो भाई का यहाँ पे स्टे भी है सॉल्ट एंड पेपर में, अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो। क्या है स्टे का मतलब? रेस्टोरेंट का नाम सॉल्ट एंड पेपर है, लेकिन किंग्स विला है। किंग्स विला, किंग्स विला के नाम से ही फेमस है। अच्छा, बाकी सॉल्ट एंड पेपर रेस्टोरेंट है, बाकी किंग्स विला आपका वो है रिजॉर्ट है। रूम का प्राइस अभी क्या है? अभी तो 2500 तक होगा। अच्छा ठीक है, समझ गया। पुनीत सुपरस्टार की ना आत्मा मेरे अंदर घुस गई है भाई, वो पर्सनली मुझे बंदा बहुत पसंद है। तो अभी मैं कोला बीच की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में मुझे तो ऐसे ऐसे रिवर्स दो दिखे हैं अभी तक मुझे, तो या ना यार मानसून का टाइम, ऊपर से मानसून है इस वजह से यहाँ इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ही प्यारा रास्ता है, मस्त कंटिन्यूस बारिश हो रही है। तो मैं हूँ अभी कोला बीच पे और बारिश अभी भी लगातार हो रही है, और ये है कोला बीच। देखो अभी कितना ज़्यादा पानी है और कितना ख़तरनाक लग रहा है ये देखने में, बहुत हाई टाइड्स है अभी इसमें बहुत ही ज़्यादा। और इस बीच की एक और ख़ास बात है, मैं अभी आपको बताता हूँ। फिलहाल आप ये देखो कितना ज़्यादा पानी है और ये कितना ख़तरनाक लग रहा है, अभी देख के डर लग रहा है कसम से। ये सब आपको स्नैक्स दिख रहे हैं, ये सब अभी यहाँ पे क्लोज्ड है मानसून की वजह से, जब ये सीज़न स्टार्ट होगा तब ये वापस से ओपन हो जाएगा। पे कयाकिंग भी होती है, और ये भाई लोग देखो अपना ये सब सिस्टम यहाँ पे सेट कर रहे हैं, मतलब साइड कर रहे हैं। आप लोग हटा रहे हो इसको यहाँ से? ओके, तो फिलहाल अभी कयाकिंग भी क्लोज्ड है ना? हाँ। तो अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था कि इस बीच की एक और ख़ास बात है, वो भी आपको चल के मैं दिखा रहा हूँ। भाई अभी रेनकोट के बाप भी मैंने भाई से छाता लिया, वैसे तो गोप्रो मेरा वाटरप्रूफ है। ये जो आपको दिख रहा है सामने, ये है बैक वाटर, इसी में लोग कयाकिंग करते हैं। यही बैक वाटर जो आगे साइड जाके समंदर में मिल जाता है। अभी नीचे में जाना चाह रहा था, बट अभी वहाँ पे मना कर रहे हैं लोग जाने के लिए। अभी जो है वन ऑफ द फेमस बीच है साउथ गोवा में, तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो उस कोला बीच पे ज़रूर आना। मानसून के टाइम पे तो भैया सब क्लोज रहेगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट आप घूमना चाहो तो आ सकते हो। बाय, थैंक यू। ये लो छाता, ये लो आप अपना अम्ब्रेला, थैंक यू। ट्रस्ट में इतना मज़ा आ रहा है ना मुझे, देखो यार आप मानसून में आओगे बारिश के टाइम पे तो बारिश ही मिलेंगी ना, अगर आपको बारिश पसंद है ना तो आपके लिए एकदम परफेक्ट टाइम है ये, ज़रूर आना इस टाइम पे, आपको मज़ा आ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ आपको। मैं तो ऑलरेडी दो तीन दिन एक्स्ट्रा रखे हैं मैंने, क्योंकि मुझे पता था बारिश होगी तो प्लान इधर उधर हो सकता है। किधर जा रहे हो? 15 दिन लगेगा पहुंचते पहुंचते।
अभी मैं हूँ बटरफ्लाई बीच के पास और ये थोड़ा सा हाइक करके आप यहाँ तक आ सकते हो और यहाँ से जो व्यू है वो बहुत प्यारा व्यू है बटरफ्लाई बीच का। तो हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है बट पहले से थोड़ा सा कम है। और ये रहा बटरफ्लाई बीच और इस बीच का नाम बटरफ्लाई इसलिए क्योंकि इसका जो शेप है वो बटरफ्लाई का है। और भाई अभी मैं यहाँ से चढ़ के ऊपर उस पत्थर तक गया था बट अगर आप मौसम के टाइम पे आ रहे हो थोड़ा ध्यान से जाना, वैसे तो रास्ता सही है लेकिन फिर भी ध्यान से रहना थोड़ा। अब एक बार फिर से बारिश बहुत तेज़ हो गई, अभी बारिश रुक गई थी और वापस से बहुत तेज़ हो गई। अभी इस वाली जीप से मैं गया था बटरफ्लाई बीच सफारी तो भाई एकदम मज़ा आ गया यार इससे जाने में। तो यहाँ से चल के जाने का रास्ता आप समझ लो 2 किलोमीटर चल के आप जा सकते हो, या तो आप जीप सफारी करना चाहो तो जीप से जा सकते हो। इसका आने पिक एंड ड्रॉप का 250 रुपीज़ है। यहीं पे ये बटरफ्लाई कैफ़े भी है तो वहाँ से आने के बाद यहाँ पे आप चाय की चुस्की या बियर की घूंट ले सकते हो। तो मैं वापस से पालोलेम आ गया हूँ। जो पालोलेम है ना यार वो समझ लो आपके सेंटर है, आपको कहीं भी जाना हो साउथ गोवा में पालोलेम ना बीच में पड़ता है, चाहे आप इधर जाओ या उधर जाओ कहीं भी पालोलेम बीच वाला एरिया जो है ना वो वही मोस्ट हैपनिंग प्लेस आप समझो साउथ गोवा की है। कंटिन्यूस पूरे दिन बारिश हुई है, अभी शाम होने वाली है। अभी आपको मैं बटरफ्लाई बीच के बारे में बता देता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। बटरफ्लाई बीच जब मैं जा रहा था तो मुझे तो था कि यार एक पॉइंट तक आप पार्किंग तक जा सकते हो बाय स्कूटी और कार, उसके बाद आपको 2 किलोमीटर का हाइक करके जाना होता है। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि सफारी भी आप वहाँ पे कर सकते हो। तो फिर मैंने सोचा कि यार अभी बारिश भी हो रही है, पानी भी भर गया होगा, तो मस्त मैंने बीच सफारी करी और बहुत मज़ा आया। वो जो बंदा था ना जो ड्राइव कर रहा था वो खतरनाक ड्राइव कर रहा था, तो आज रेनकोट बढ़िया से यूज़ हुआ है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अपने ब्लॉग की शुरुआत भी मैंने इसी जगह से की थी, सॉल्ट एंड पेपर रेस्टोरेंट। जैसा कि भाई बता रहा था कि सॉल्ट एंड पेपर आपको समझ में ना आए तो किंग्स विला बोलो आप, यहाँ पे रेस्टोरेंट पे आ जाओगे। इनके रिजॉर्ट का नाम किंग्स विला है और रेस्टोरेंट का नाम है सॉल्ट एंड पेपर। इस ब्लॉग को एंड करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो मैं कल नहीं बता पाया था। बटरफ्लाई बीच जो है वो सनसेट के लिए भी बहुत ही फेमस है, तो वहाँ पे आप सनसेट के लिए भी जा सकते हो, वहाँ से बहुत ही ऑसम सनसेट आपको देखने मिलेगा। बट मौसम के टाइम पे सनसेट नहीं दिखेगा वो तो आप पता ही है। तो इंक्लूडिंग मी यहाँ पे जितने लोग भी अभी घूमने आए हैं ना सब लोगों ने मतलब वो समझौता कर लिया है कि भाई बारिश तो होगी रेनकोट डालो और घूमो, तो सब रेनकोट डाल के घूम रहे हैं। तो मौसम का ये थोड़ा सा चक्कर रहेगा कि आपको यहाँ पे सनसेट कहीं देखने नहीं मिलेगा। बाकी बटरफ्लाई बीच जाने के लिए कि कैसे कैसे आप बटरफ्लाई बीच यहाँ से जा सकते हो पालोलेम बीच से, वो तो मैंने आपको बता दिया है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अगर आप बाय फेरी जाना चाहते हो तो पालोलेम से एक फेरी चलती है 1000 रुपीज़ पर पर्सन, वो रास्ते में हनीमून बीच दिखाते हुए और जो भी एक दो पॉइंट आते हैं वो दिखाते हुए आपको बटरफ्लाई बीच तक लेके जाएगी। तो उसका जो चार्ज होता है उसका जो फेयर होता है वो 1000 रुपीज़ पर पर्सन होता है। तो आप देख लेना, अगर आपको बाय फेरी जाना हो तो आप बाय फेरी जा सकते हो, लेकिन अगेन मानसून में आप आओगे वो क्लोज रहेगा। मैंने तो आपको कल बताया था कि मेरा एक्सपीरियंस बटरफ्लाई बीच जाने का बहुत ऑसम रहा क्योंकि बटरफ्लाई बीच सफारी की थी मैंने, तो मज़ा आया वहाँ पे यार। ठीक है, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ और आपने लास्ट वाली व्लॉग नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखो, मैं सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स व्लॉग्स में बता रहा हूँ। बाय द वे कुछ इन्फॉर्मेशन मैं मिस करता हूँ तो मैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में बता देता हूँ। तो साउथ गोवा की पूरी सीरीज़ फॉलो करो तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, उसके बाद सीधा आपको बैग उठा के घूमने आना है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, स्टे सेफ and keep traveling always.